नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ अहम फैसला सुनाने वाली है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का क्या होगा? इतिहास रचेंगे या खुद इतिहास बन जाएंगे? शिवसेना के 16 विधायकों की सदस्यता रहेगी या जाएगी? क्या है संभावनाएं और क्या है ये पूरा मामला? सुनील सिंह की इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकने लगी है। उन्होंने पिछले साल 20 जून को उद्धव ठाकरे से पहली बगावत की और 10 दिन बाद 30 जून को बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब 10 महीने बाद ही सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी कुर्सी बचेगी या नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पर जो संघर्ष हुआ उसे लेकर 8 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिनकी सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों के संविधान पीठ ने की। 9 दिनों की सुनवाई के बाद 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। इनमें सबसे अहम है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके 16 विधायकों की सदस्यता को खत्म करने का मामला। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना के व्हिप सुनील प्रभु ने पत्र लिखकर वर्षा बंगलो में आयोजित मीटिंग में शामिल होने का आदेश दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों ने उस व्हिप को नहीं माना। उल्टे सूरत के होटल में बैठकर ही सुनील प्रभु को व्हिप पद से हटाकर अपने साथ गए विधायक भरत गोगावले को व्हिप बना दिया। इस बीच ठाकरे गुट की तरफ से विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल को पत्र लिखकर 16 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई। तब उपाध्यक्ष ने 16 विधायकों से 2 दिन में जवाब देने के लिए पत्र लिखा, जिसे शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जवाब में शिवसेना ठाकरे गुट की तरफ से भी चुनौती दी गई। एक और अर्जी तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के 2 फैसलों, फ्लोर टेस्ट का आदेश और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को मंजूरी देने की चुनौती की है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि फैसला गुरुवार को आ सकता है, तो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दावा किया है 10वें शेड्यूल के तहत विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है। जहां तक विधायकों के निलंबन का या फिर डिस्क्वालिफिकेशन का विषय है, इसके बारे में मैंने इसके पहले भी स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका रखी है कि ये निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल विधानसभा अध्यक्ष का है। संविधान में इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान है और यदि आप विधानसभा के नियम देखेंगे तो इसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके पहले के सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट्स में ऐसी भूमिका ली गई है और मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को कायम रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय भी इस विषय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि ये संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसलिए न्याय उनके साथ है। विधानसभा के अध्यक्ष को अधिकार है ना, कौन ना कहता है, लेकिन कब? आपकी सरकारी संविधान भाई है, आपको चुनकर देने वाले लोग ही इनके ऊपर ही तलवार है। जिसने चुन कर दिया आपको अध्यक्ष कर तो वो 40 अगर बर्बाद हुए तो कौन अध्यक्ष कैसे हो गया? आप तो आपका अध्यक्ष पद को ही वहीं से ठेच पहुंचने वाली है, समझे आप? और जो घटना हुई है तब अध्यक्ष ही नहीं था तो उपाध्यक्ष था, तो जो घटना जिस कार्यकाल में हुई उस कार्यकाल में कौन था, तो निर्णय उनके पास जाना चाहिए, वो निर्णय लेंगे, नहीं कि ये लेंगे। कानून के जानकार और वरिष्ठ वकीलों का मानना है कि मामला बहुत ही पेचीदा है और जरूरत 10वें शेड्यूल में निहित खामियों को दूर करने की भी है। ऐसे में जो भी फैसला होगा वो बहुत ही अहम होगा। क्या प्रेजेंट स्पीकर को अधिकार दिया जाएगा? क्या जिन्होंने नोटिस डिस्क्वालिफिकेशन निकाली है वो नरेश झिरवाल को अधिकार दिया जाए? लेकिन उनके बारे में आज भी नवाम रबिया का निकाल इंटैक्ट है, उसके मुताबिक जिनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजोल्यूशन पेंडिंग है तो उनको अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसीलिए क्या सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला देगी, ये कानून का अभ्यासक के नाते बहुत महत्वपूर्ण है। फैसला जो भी हो, दांव पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजनीतिक करियर है। सवाल है या तो वो इतिहास रचेंगे या फिर खुद इतिहास बन जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित और अशोक महाड़े के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। मतदान के बाद एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती हुई दिख रही है।
अब तक 10 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें से 6 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है। 2 के मुताबिक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जबकि 2 एग्जिट पोल्स त्रिशंकु विधानसभा दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल सामने आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने कहा है कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सभी में अलग अलग नंबर्स हैं। डीके शिवकुमार के मुताबिक कांग्रेस को 140 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि असली नतीजे 13 मई को आएंगे, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वोट इन माय ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज सफर्ड सो मच ऑफ लव अफेक्शन। महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेजों के लिए नीट का इम्तिहान देने वाली कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के सांगली के एक परीक्षा केंद्र में उन्हें कपड़े उलटकर पहनने के लिए कहा गया, असहज स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा, बाल भी खुले रखने को कहा गया। इस आरोप के बाद राज्य महिला आयोग ने जाँच के आदेश दिए हैं। रविवार 7 मई को नीट परीक्षा का केंद्र रहे महाराष्ट्र के सांगली स्थित ये है कस्तूरबा वालचंद कॉलेज। आरोप लग रहे हैं कि इस परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के दौरान छात्राओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। अपनी पहचान छुपाते हुए एक परीक्षार्थी ने बताया कि उन्हें कपड़े उल्टे करके पहनने पड़े, चोटी भी खुलवाई गयी। नीट 2023 को अपीयर करने के लिए सांगली के KWC सेंटर पर जब दोपहर को गई, तब वहाँ पे हमारे कंडक्टर्स ने ये बताया कि आपको अपने जो भी कपड़े हैं उसको उल्टा करके पहनना पड़ेगा, फिर तभी हम आपको एग्ज़ाम अटेंड करने देंगे। फिर हमने सबने मतलब 10-10 लड़कियों के ग्रुप ने एक क्लासरूम में जाके अपने ऊपर के कपड़े उल्टे करके फिर से पहन लिए और फिर हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया। फिर हम वहाँ से जब एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे तो हमें बाल भी खुले करने के लिए बोला गया, तब हमने बाल खुले किए, चोटी छोड़ दी। अच्छा। और फिर उस इतनी गर्मी में हमें चोटी छोड़ के एग्ज़ाम देना पड़ा। और एग्ज़ाम के टाइम पे भी सभी लड़कियां यही सोच रही थी कि हम कपड़े जब बदल रहे थे तो किसी ने शूट तो नहीं कर लिया, किसी ने देखा तो नहीं होगा, इसलिए एग्ज़ाम देने में बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत होने लग गई थी। नीट के गाइडलाइंस में ऐसा होगा ऐसे लगा सबको, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। जब बाहर लड़कियां आई थी तब हमने देखा कि उनके इतने लंबे बाल होने के बावजूद भी उनको पूरे खुला रखने के लिए कहा गया। इतनी गर्मी में लड़कियां अगर ऐसी हालत में परीक्षा लिखेंगी तो उन पर कुछ ना कुछ तो असर जरूर होगा। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तक शिकायत पहुंची है और मामले की जांच चल रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बहुत ही एक शर्मनाक बात है और इस तरह से बच्चों की चेकिंग हरगिज़ नहीं होनी चाहिए और जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, इसके लिए पेरेंट्स की तरफ से शिकायत दर्ज की जाएगी और हम इस पर जो भी स्कूल है और जो स्कूल का स्टाफ है इसमें इन्वॉल्व, उसके खिलाफ जो भी शिकायत होगी हम करके उसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके ऊपर गुनाह करने का हम कोशिश करेंगे। इसी बीच महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर ने नीट परीक्षा केंद्र पर लड़कियों के साथ हुई हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है और मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सांगली से रॉबिन्सन डेविड के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। मॉरिशस के वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार ने अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को झूठा बताया है। क्या है पूरा मामला, साक्षी बजाज अपनी इस रिपोर्ट में बता रही है। मॉरिशस की संसद में साफ और ठोस बयान देते हुए वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सीरतन ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अलग थलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है और मॉरिशस में शेल कंपनियों के होने के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। द हिंडनबर्ग रिपोर्ट कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन, पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ द रिबटल रिपोर्ट फ्रॉम द अडानी ग्रुप। मॉरिशस के वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सीरतन ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि अडानी समूह मॉरिशस को शेल कंपनियां बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मंत्री ने कहा कि कानून के हिसाब से मॉरिशस में शेल कंपनियों की अनुमति नहीं है और मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानूनों के हिसाब से चलता है। Inquiries that have been carried out and reports that have been requested from those companies that are managing those companies, those global companies, so far there has been no breach that has been found. सुप्रीम कोर्ट में 12 मई को हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई होने वाली है।
उससे दो दिन पहले इस खबर से अडानी समूह के दावों को बल मिला है। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस महीने आ रहा है साल का पहला चक्रवात साइक्लोन मोका, जो कि अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होगा। 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है इस दौरान, ऐसी संभावना है। क्या बड़े खतरे सामने नजर आ रहे हैं और क्या इसकी वजह हो सकती है, जलवायु परिवर्तन या कुछ और? हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। बंगाल की खाड़ी के मध्य में उठा साइक्लोन मोका शुक्रवार को अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सीजन का पहला चक्रवाती तूफान रविवार को जब बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के क्यो कप्यू के बीच तटों से टकराएगा, तो समुद्री हवाओं की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की आशंका है। देश में मौसम की तीव्र घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंता के बीच मौसम विभाग के महानिदेशक ने बुधवार को एनडीटीवी को बताया कि अरब सागर में 1990 के बाद 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तीव्रता वाले अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान की संख्या बढ़ी है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखा गया है। पिछले कुछ साल में बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में साइक्लोन की तीव्रता और उसकी फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आया है, क्या इसके पीछे वजह क्लाइमेट चेंज है? मौसम वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पिछले कुछ साल में अरेबियन सी में ज्यादा तीव्रता वाले साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इसे क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। हमने एक स्टडी किया था, आई वाज मेंबर ऑफ द पैनल, एक्सपर्ट मेंबर डब्ल्यूएमओ का। हमने अभी तक जो कंक्लूजन आया कि हमारा हाई कॉन्फिडेंस नहीं है ये बोलने के लिए कि इट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मगर कुछ कॉन्फिडेंस है। इसलिए हम लोग जो स्टेटमेंट दिए हैं, हम बोले हैं कि देर इज ए लो कॉन्फिडेंस टू से दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस साइक्लोन्स आर इंक्रीजिंग ओवर अरेबियन सी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हर साल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में औसतन 5 चक्रवाती तूफान आते हैं। एक साल ऐसा रहा जब 10 तूफान आए, जबकि एक साल ऐसा भी था जब सिर्फ एक तूफान आया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक इसे इंटर एनुअल वेरिएशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप लगता है महत्वपूर्ण हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहाँ हमें रेजिलियंस बिल्डिंग एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन डिफिसिट कहाँ पर है, पर्टिकुलरली हिल्स है, फॉर एग्जाम्पल हिमालयस में है, जहाँ पर हमारा इश्यू ऑफ लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है सो वो रेजिलियंट है या नहीं, टूट रहा है हर बार। शिमला और चंडीगढ़ वाला रास्ता देखेंगे, हर साल मानसून में कुछ ना कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गिर जाता है, ये सब फिक्स करने की जरूरत है, अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट आपने किया दैट विल नॉट बी रेसिलियंट। इस बढ़ती चिंता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस में कहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिए 2030 तक कुल अनुमानित 85.6 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। जाहिर है जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की चुनौती बहुत बड़ी है। दिल्ली से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और चीता प्रोजेक्ट को तीसरा झटका लगा है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता दक्षा की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दक्षा को इसी साल साउथ अफ्रीका से कूनो लाया गया था। 27 मार्च को साशा, 23 अप्रैल को उदय और अब दक्षा। कूनो नेशनल पार्क में 40 दिनों में 3 चीतों की मौत हो गई। कुछ दिनों पहले विशेषज्ञों की सलाह पर दक्षा को प्रजनन के लिए दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीते अग्नि और वायु के साथ रखा गया था। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में हिंसक होने की वजह से दक्षा को गंभीर चोट आई और मंगलवार 12 बजे उसकी मौत हो गई। ये जो डेथ हुई है ये जानवरों की आपसी फाइटिंग की डेथ, और ये सामान्य बात है, चाहे टाइगर हो, लेपर्ड हो, जितने भी जंगली जानवर हैं, इनमें आपसी जंग एरिया को लेकर के होती रहती है। पहली खेप में नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बाड़े में रिलीज किया। इनमें से एक मादा चीता साशा की किडनी में इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। इसके बाद 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो लाए गए थे। इनमें से एक नर चीते उदय की भी कुछ दिनों बाद मौत हो गई।
वन्य प्रेमियों को लगता है कि इस चीते की मौत इस पूरी परियोजना के लिए एक बड़ा धक्का है, जबकि अधिकारियों को लगता है ये सामान्य है। बहरहाल जिस चीते की मौत हुई है उसके पोस्टमार्टम को वेटनरी डॉक्टर्स की मौजूदगी और देखरेख में पूरे प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सेना में ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के अधिकारियों के लिए समान होगी वर्दी और टोपी। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी सेंटर शो। सेना में ब्रिगेडियर से ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए समान वर्दी और टोपी होगी। 1 अगस्त से ये फैसला लागू होगा। राजीव रंजन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 3 अधिकारी, एक स्पेशल फोर्सेस के, एक गोरखा रेजिमेंट के, एक आर्मर्ड रेजिमेंट के, तीनों की टोपी अलग, बैज अलग, जूते अलग, तीनों की अलग अलग पहचान। लेकिन 1 अगस्त से यह अंतर खत्म होने वाला है। 1 अगस्त से सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक के सभी अधिकारी एक समान वर्दी पहनेंगे। एक तरह की टोपी रहेगी और एक ही तरह की बेल्ट, एक ही तरह का जूता। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा लॉजिकल कदम है कि जब वो बहुत सारी यूनिटें कमांड कर रहा है जो अलग अलग रेजिमेंट से हैं, तो फिर उसको एक ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए जो कि पूरी इंडियन आर्मी की हो और वो जनरल ऑफिसर कहलाता है। वो एक विजिबल स्टेटमेंट है, वो एक स्टेटमेंट है कि वो एक रेजिमेंट या एक यूनिट को ज्यादा पक्ष से पक्षपात नहीं करेगा। एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि बदली हुई पोशाक में कैप हरी होगी, लैनयार्ड नहीं होंगे, कंधे पर लगने वाले बैज अब सुनहरे रंग के होंगे, सबके बेल्ट का बकल एक जैसा ही होगा, कॉलर पैच लाल होगा, सबके जूते का रंग काला होगा। माना जा रहा है कि एक जैसी वर्दी अलग अलग रेजिमेंट को करीब लाएगी, फिर सभी अंगों और सेवाओं में ज्यादा एक रूपता आएगी। हालांकि कर्नल और उससे नीचे रैंक के अधिकारियों की वर्दी और दूसरी चीजों में कोई बदलाव नहीं होगा। एक फौज, एक ड्रेस। ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के अफसरों के लिए आया है आदेश। ये विविधता के बीच एकता का अपना सैन्य तरीका है, एक नई पहल जिसका शायद सभी स्वागत करेंगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।